على فاتح المرسلين وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. صدق माशाल्लाह से मुहर्रम अल हराम अशराए मुहर्रम अल हराम की हमारी इंतजामिया दुआए रब्बा की टीम की जानिब से ये पहली मजलिस का आगाज है। बानी मजलिस ने जिस पुल से नियत से इस मजलिस का इनकार किया है, परवरदिगार की जात से दुआ है कि सदके में सैयद शहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के उनकी तमाम तर दिली हाजात कबूल और मुस्तजाब आप फरमा दे। आप सब बहनें जो मेरी इस फर्श एजाब और इस वक्त तशरीफ फरमा है और जो किसी के बस नहीं आ सकती, दुनिया में कायनात में जहां जहां कोने कोने में मौजूद हैं, परवरदिगार आलम से दुआ है कि आज की ये फर्श एजाब जो है ये खत्म होने से पहले, इसका अख्तिताम होने से पहले, फर्श एजाब से बढ़ने से पहले तमाम के तमाम मुस्लिम के लिए हजरात कबूल और मुस्तजाब आप फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अशरा मुहर्रम की ये पहली मजलिस का आगाज है। मेरा मौजू एक गुफ्तगू इस अशरा मजलिस का है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत ना करियो। इंशाल्लाह मौला मुझे हिम्मत आकर दें जनाब सैयदा सलाम अल्लाह के दर के सबके में मेरी कोई औकात नहीं है, बीबी के दर का सबका है, कि इंशाल्लाह हम अशरा मजालिस में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि तमाम तर मवालिया ने हैदर करार आप तमाम तर अजादराने मुहतरमात जो इस वक्त इस मजलिस को समाज फरमा रही हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ लौटूं, चूंकि ये तमहीदी गुफ्तगू है, पहली मजलिस है, तो काफी माशाल्लाह मोमिनात जो हैं वो इस चीज के बारे में बिलखसूस बच्चियों के लिए अपने लिए और ये अपडेट्स चलनी भी चाहिए, वो चाहती है कि हम इस्तकबाले अय्याम अज़ा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस जरूर किया करें। माशाल्लाह मौला सलामत रखे हमारे उलमाए हक्का, हमारे मराजे उज़ाम को और हमारी आलिमा बहनों को, जाकिरा बहनों को, माशाल्लाह से जो अब और हर वक्त जनाब सैयदा पाक सलाम अल्लाह की अपने वक्त के इमाम इमाम ज़माना रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नयाबत में ड्यूटियां देने के लिए सरगर्म रहती हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू, दो तीन फिक्रे अपने इल्म की महदूदियत को मद्देनजर रखते हुए अय्याम अज़ा की तैयारी क्या है और क्या होनी चाहिए। हमारे जिन लोगों ने तो विरासत में अय्याम अज़ा को और उनकी तैयारियों को लिया है उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे जो नौजवान नस्ल जो यहाँ पर रेज हो रहे हैं माशाल्लाह से, उनको इस चीज की तरफ रहबत दिलाने के लिए, माइल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं जो बजा लानी जरूरी है, मुस्तहब है, जरूरी इस हम कहते हैं, जरूरी का मतलब ये नहीं कि वाजिब है लेकिन जरूरी है, रेकमेंडेड जिसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अय्याम अज़ा की जो क्लोथिंग है, जो कपड़े, जो पहनावा है, वो हमारे सियाह कपड़े होने चाहिए। और इस पर बड़ी बहस है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती कि लोग कहते हैं कि
दिल के अंदर आजाद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मौला अली पाक कसम का खुतबा हमाम अगर आप माशाल्लाह से नहजुल बलागा में अगर आप उसको पढ़ें, मुताला फरमाएं, तो आपको पता चलेगा कि दूसरी बड़ी मुत्तकी की निशानी उसका वजह करता है, उसका पहनावा है। पहनावा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहती। मैं अपने टॉपिक मुझ जैसा तुझ जैसे की बैठ न करेगा, मैं इस टॉपिक पर ही गुफ्तगू करूंगी, लेकिन थोड़ी सी गंभीर गुफ्तगू है। सियाह कपड़े होने चाहिए, कोई डिजाइन, या हम लोगों ने क्या किया, सियाह कपड़ों को भी नए फैशन के कपड़ों में ढालना शुरू कर दिया। ऐसा ना कर, ऐसा करके हम किसको धोखा दे रहे हैं। हम ये हर वक्त सोचते हैं फुलां हमें क्या कहेगा, फुलां हमें क्या, अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। जहन में फर्शे अजा पर सैयद शुहदा का गम जहन रखे। आपने अपने जमाने के ईमान को पुरसा देना, आपने अपने जमाने के ईमान को खुश करना, आपने किसी भी किस्म के इंसानों को खुश नहीं करना, इंसान राजी नहीं हो सकते। नंबर एक। नंबर दो, आशूर का जो दिन होता है उसमें आप एक दूसरे को सलाम मत कीजिए। इसलिए बादशाह कहते हैं कि जी उसने सलाम किया तो मैंने आगे से कहा भाई आज आशूर है तो हम सलाम भी करते, तो उन्होंने बुरा बना लिया। इसमें क्या बात, हैरत होती है उन लोगों से। अच्छा बच्चे कहें तो समझ आती है, बच्चों को नहीं मानना, लेकिन जब बड़े बड़े बुजुर्ग होके कहें, 50-50 साल के, 60-60 साल के, भाई तुम लोगों ने कहां जिंदगियां गुजारी, भाई सब कौन सी सलामती रही आशूर के दिन। सलाम का मतलब तो ऊपर सलामती हो, नहीं, आशूर के दिन जब मिले तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे से सैयद शहदा का गम करें, ऐसे गम करें कि बड़ा दुख है, बड़ा गम मिले। बाज औकात हम भूल जाते हैं, मुझे आदत होती है ना सलाम करने की, निकल जाता है, उसकी कोई बात नहीं, वो कोई मसला नहीं, लेकिन जहनों में रखें कि अगर आपको कोई सलाम नहीं कर रहा, नजरों से नजरें बाज लोग कहते हैं चुरा के निकल जाते हैं ताकि बंदा बुरा ना मान जाए कि सलाम नहीं की। तो लिहाजा अपने बच्चों को बताएं, जब आशूर का दिन हो तो आशूर के दिन चलने से घर से चलते वक्त बच्चों को बताएं बेटा आज के दिन सलाम नहीं करनी, और कोई तुम्हें सलाम करे तो बल्कि जवाब भी करें क्योंकि आज के दिन का सलाम। और दूसरी बात यह, बल्कि दूसरों को बताएं। तीसरा ये है, बहुत से लोग जो है आशूर के बाद खुशियां मना लेते हैं, दसवीं हो गई मुहर्रम की, मौला हुसैन रुख्सत हो गए, अब हम अपनी खुशियां कर सकते हैं। गलत बात है, आशूर के बाद सही मुहर्रम तो आशूर के बाद ही शुरू होता है। आजादारा ने मोहतरमा, हमारी ये कोई रिवाज नहीं है, करबला जो है इसमें जितने भी हम अदा करते हैं खुलूस, खुलूस किसको कहते हैं, खुलूस का मतलब यही है कि दिलो वजू होकर खशियत से इलैया के साथ। तो अल्लाह सुभानहू तआला हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाहु अकबर, अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इमाम बारगाहों में मजलिसों के लिए बस भेजते रहो, भेजते रहो, बस ये ना करें, उन्हें आजमते मजाले से मौला हुसैन समझाएं, घरों में ये चीजें डिस्कस करें। अगर आपका बच्चा ये कहता है कि हम ऐसा क्यों करें, हम वैसा क्यों करें, तो रोजमर्रा की जिंदगी से साले दे, भाई पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग माशाल्लाह, जब बच्चों को फजूल खर्ची और पैसे और दुनियादारी के लिए आपके पास मिसालें हैं रोकने के लिए, तो आप ये सैयद शहदा के गम के लिए आपके पास जवाब क्यों नहीं है। तो मुझे दिल में गम होना चाहिए, दिल में गम होना चाहिए। तो फिर आप अपने बच्चों से कहिएगा कि फिर कल को खुदा ना खास्ता दुनिया तो समझ के जाना है, आपको अगर कुछ हो जाता तो फिर अपने बच्चों से कहिएगा घर घर रोना मत, उस दिन भी कोई पार्टी रख लेना, पार्टी क्यों रख लेना, उस दिन भी कुछ रख लेना। तो ये बहुत बड़ा काम है, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को आदाब मजलिस सिखाएं। तीसरी बात ये, जो खवातीन गमे मौला हुसैन में बुलंद आवाज़ से होती है उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाहु अकबर, ये कानून और ये अथॉरिटी किसने आपको दे दी, जी नाम महर, जी नाम महर, नहीं, ये बहुत गलत है। याद रखिएगा, मौला हुसैन पाक कसम के गम में रोने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मौला हुसैन के गम में जलसे ये जलूसों के अंदर जाने की कोई पाबंदी नहीं।
हम और बातों में तो हमें ये बात याद नहीं रहती महरम और नामहरम की, सिर्फ मौला हुसैन के नाम में। फिर औरतें ही औरतों का मजाक उड़ाती हैं जी, ये बैकवर्ड है, ये ऊंची बात से होती है, गिरिया करती हैं जी, ये पेंडू है, हम सोफिस्टिकेटेड है, हम पढ़े लिखे हैं। मौला इमाम जमाना अभी जाहिर होकर तुम्हें बताएं कौन सोफिस्टिकेटेड है और कौन अब्दुल्लाह हुसैन का सही माने में गम करता है। ठीक है, जिनकी आहिस्तगी से रोने की आदत है मैं उनको चैलेंज नहीं करती, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी ऊंची आवाज से रोने वाली का मजाक उड़ाए। किसी भी जुबान में जब मौला के लिए पोएट्री कोई भी मरसिया पढ़ा जाता है, मत मजाक उड़ा जी। ये देहातों के पढ़ने वाले हैं, ये शहरों के पढ़ने वाले हैं, क्या जरूरत है, क्या मजाल है हम इंसानों की। हम कितने गिर गए हैं कि हम बचाए इबादत में जाने के हम किसी बुरी फलसफे की तरफ चल पाए, हम एक दूसरे की गलतियां निकाल दें। नहीं, ये फर्श अजा इस पर दिलो वजू हो के हम अपने बच्चों को अगर आप वो चमकीले कपड़े पहना के फर्श अजा पर अल्लाह अकबर ला रही हैं, आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। शादियों के लिए आपकी महीनों पहले तैयारी शुरू हो कपड़े बनाने, मुहर्रम के लिए आप अपने बच्चों के लिए क्या काला जोड़ा नहीं बना सकते। एक सबसे ज्यादा मैंने कितनी मोमिनात से सुना कि हमें सबसे ज्यादा आसान मुहर्रम अलहराम लगता है, क्योंकि एक ही रंग पहन के हमने जाना होता है, हमें सोचना नहीं पड़ता हर रोज के लिए कब जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो अल्लाह अकबर, उधर तो कयामत, मुझे पता वहां पर तो बहुत ज्यादा कयामत से भड़के कयामत उधर तो। वहां तो लोगों ने शियों के, जैसे शियों का मुहर्रम आता है, कंपनियों ने कपड़े की जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने कमाई शुरू कर दी है, जब वो काले और ब्लैक एंड व्हाइट के जो डिजाइन पूरे के पूरे बेस्ट सेलिंग के ऊपर आ रहे हैं। इतनी फजूल खर्ची लोग कर रहे, नित नए डिजाइन के कपड़े पहने जा रहे हैं, ये क्या है। आप कहती है कि गम दिल में होना चाहिए, तो हर चीज दिल में होनी चाहिए, फिर तो हर चीज दिल में होनी चाहिए। आपको भूख लगे भूख भी दिल में रखे, मत खाए खाना, मत खाओ खाना, मैं भी देखू दो घड़ी निकाल सकते, दिल में रखो भूख को भी प्यास को भी। नहीं, ये दलीलें हैं, ये एक्सक्यूजेस हैं जो हम भरते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। आपका पहनावा, आपका जाहिर, ये बहुत ज्यादा वैलिड होता है, इस पर गौर कीजिए। फिर आप लोग कहते हैं हमारे बच्चे शियों के साथ शादियां नहीं कर रहे, यही वजह, यही बुनियादें बनती हैं, इसी से खुलूस बनता है। हमें अपने आप को सुधारना है। आशूर के दिन कई बच्चे या कई बच्चियां तो हमारे वक्तों में भी जूते नहीं पहनते पाओ, कोई मजाक नहीं। ये सैयद शहदा से कुर्बत के लिए है, और जो चीज उनसे निस्बत और कुर्बत को आ जाए वो इबादत बन जाती है। अल्लाहु अकबर। सरों में खाक थी सादात के, खाक। लिहाजा इन चीजों को मलबूसे खाके रखी, हमें जाहरी तौर पर भी पेश होना है और बातनी तौर पर भी, तो इबादत मुकम्मल होती है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। मेरा टॉपिक है मुझ जैसा तुझ जैसे की बात न करेंगे। इंशाल्लाह 35 मिनट हम गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद मसाइल, और इंशाल्लाह वक्त पर हम शुरू करेंगे, वक्त पर खत्म करेंगे। ये बातें जरूरी थी जो मुझे आप लोगों से करना थी। ये जुमला जो है सैयद शहदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप सबको मालूम है कि मौला ने उस वक्त ये जुमला कहा जब मौला मदीने में मौजूद थे। मैं थोड़ी सी अब इंशाल्लाह इस अशराए मजालिस में खवासे फसाई से मौला हुसैन और थोड़ी सी तारीख भी आपको बयान करूं, ताकि आप अपने बच्चों को बताएं। मौला हुसैन जब मदीने में तशरीफ फरमा थे तो यजीद ने अपने वफद के हाथ कासिद के हाथ पैगाम भेजा, और उस वक्त मदीने का जो गवर्नर था, जो वाली था, उसका नाम था वलीद बिन उकबा। अब ये जो वलीद था
इसमें इसके साथ था मरवान, और आपको पता है मरवान आगे चलके इसका भी बताऊंगी कि ये क्या खबीस है। मौला हुसैन को किस्सा मुख्तसर, यजीद ने बयात के लिए जब वलीद को पैगाम भेजा कि हुसैन इब्ने अली की बयात जो है वो करो, तो इसने मौला हुसैन को जानते हैं कितने बजे बुलाया, रात के, रात सारा दिन गुजर गया। जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहा मौला हुसैन की जो बहन है, बीबी मौला हुसैन के साथ इस तरह थी जैसा साया होता। जब मौला हुसैन को बुलावा आया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहा का दिल जो है वो मुट्ठी में आ गया। फिर रात के वक्त इसने बोला, मरवान का ये कहना था वलीद को कि हुसैन इब्ने अली को अगर बुलाओगे अभी उससे बैत ले लेना, अगर अभी बैत नहीं लोगे तो फिर हुसैन तुम्हारे हाथ में कभी नहीं होगा जैसा खबीस इब्ने खबीस का। और आपको ये किरदार अपने बच्चों को बताने हैं। लोग कहते हैं हम उनका जिक्र क्यों करें, हम पाकों का करें, नहीं नहीं समझ कीजिएगा, अगर आप उन बुराइयों का जिक्र नहीं करेंगे तो आपके बच्चे बुराइयां भी अच्छाइयां समझ के करेंगे। बच्चों को बुराओं का किरदार भी बताइए, अच्छों का किरदार भी बताइए, ताकि आपके बच्चे जस्टिफाई कर सकें हमें किन के पीछे चलना। अल्लाह अकबर, जागते दिलों से कलाम है। बस एक मरतबा जो मौला हुसैन पाकिस्तान को इस वलीद ने बुलाया, जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह बड़ी परेशान हुई, मौला हुसैन ने बड़ा इत्मीनान दिया, बहन परेशान हुई। मौला हुसैन ने हाशमी जवानों को साथ लिया, और आपको पता है हाशमी जवानों में मौला अल फजल अब्बास पेश पेश है। ये सब मौला इनको लेकर गए, ये नंगी तलवारों के साथ। मौला हुसैन ने कहा देखो आप लोग जो हैं मेरे साथ अंदर मत आइएगा, तुम लोग दरवाजे के बाहर खड़े हो, खुदा ना खास्ता अगर मेरी जान को खतरा होगा तो मैं आवाज दूंगा, ऊंची आवाज से तकबीर कहूंगा, तो उस वक्त तुम लोग अंदर आ जाओ। वलीद ये समझा मौला हुसैन अकेले तशरीफ फरमाओ, मौला हुसैन वलीद के पास गए, रात में गए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को कंसर्न था कि रात में क्यों बुलाया, दिन को क्यों नहीं बुलाया। अब मौला जब अंदर तशरीफ ले जाते हैं, मौला तशरीफ ले गए और वलीद ने वही बात की कि यजीद ने आपकी बयात के लिए कहा। वलीद ने जैसे कहा तो मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, वलीद मुझ जैसा उस जैसे की बयात नहीं करेगा, मैं हुसैन इब्ने अली। बड़ी बातें हुई, बड़ी लंबी तबीयत हुई। ये फिक्रा उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा, इस फिक्रे की गहराई सिर्फ ये नहीं है, इसी के ऊपर पूरा अशरा इंशाल्लाह चलेगा। आप देखेंगे हम इमाम और उलुल अमर मानते ही हुए हैं कि जिनके एक एक लफ्ज के अंदर पता नहीं कितने कितने गहरे समंदरों जैसे खजानों का राज हो। अल्लाह अकबर, देखने में फिक्रा है मुझ जैसा। मौला अली कह सकते थे मैं हुसैन हूं, हुसैन यजीद की बात नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, जाते हैं हमें आपकी भी कुव्वत समाअत का इम्तिहान। मौला हुसैन कह सकते थे यजीद का नाम ले लेते, अल्लाह अकबर, मौला ने नाम नहीं लिया, मुझ जैसा और उस जैसा। मौला ने तारीख के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा, ने तारीख रकम कर दी। क्या वो तारीख में जितने लोग मुअर्रिख आए और पढ़ते जाएं और समझते जाएं, खुदा की कसम इस जुमले की जो लज्जत है, जिस तरह से मैंने अपनी ये पूरी अशरा मजालिस के नोट्स तैयार किए, मेरा कलम इतना लुत्फ अंदोज हो रहा था मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत जुमले से, कैसे लगता था इबादत में लज्जत की लज्जत। सुभान अल्लाह, मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम। आइए अब हमने देखना ये है मुझ जैसा, मौला हुसैन जैसा कौन है और यजीद जैसा कौन है। अल्लाह अकबर, तो मौला ने एक हद फासल खींच ली कि सिर्फ इस वक्त नहीं बल्कि माजी में भी जो हुसैन इब्ने अली जैसे थे और हाल में जो हुसैन इब्ने अली जैसे हैं,
और मुस्तकबिल में जो हुसैन इब्ने अली जैसे होंगे वो यजीद की बात नहीं आगाज में जो मैंने इस आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और वही आयत पूरी अशरे में चलेगी सूरतुल आराफ। ये कभी हो सकता है नात के कुरान जो नुतक करे लहु करा जाकर उसे कलाम है और वो कलाम कुरान में ना हो। मौला ने कहा ना मुझ जैसा, अब मैं आपको आया मुबारक से इस्तंबात करूंगी मौला के जुमले का। सूरतुल आराफ है 157 आया मुबारक है जो मैंने तिलावत की आवाज में, फिर तिलावत करूंगी और तर्जमा करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुहिट्टु लहुम अत्तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइथ वयदअु अन्हुम इस्रहुम वल-अग्लाल अल्लती कानत अलैहिम। अल्लाह की जात, ये सूरतुल आराफ की तवील आयतों में से एक आया है जिसका एक टुकड़ा आपके सामने पेश कर दूं। गजब क्या है इस आया मुबारक में, पहले शुरू में आगाज में अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने प्यारे हबीब की शान को बयान कर रहा है और उन सिफात और शानों को, शान को बयान करने के बाद एक बड़ी अजीब शान इस आयत में, आयत के टुकड़े में बयान करता मलाजा फरमाया। क्या फरमाया? अल्लाह ताला की जात फरमा रही है मेरा हबीब, मेरा रसूल, मेरा नबी खुदा के वास्ते दिलों में लिखी है, कुरान है ये कुरान। अल्लाह की जात फरमा रही है मेरा नबी जब किसी चीज पर सरसरी सी नजर डालता तो क्या करता है, तो वो नजर डालकर बता देता है कि कौन सी चीज तैयब है, अल्लाह अकबर, यानी हलाल है, और सरसरी सी नजर डालकर बता देता है कि कौन सी चीज खबीस है यानी हराम है। कितनी अजीब सिर्फ शान। हम और आप घंटों भर भी किसी चीज का मुताला करते रहे हम नहीं बता सकते कि ये हलाल है कि हराम है। गौर कीजिएगा मौला हुसैन का मौजू क्या मैंने लिया, मुझ जैसा तुझ जैसे की क्या नहीं करेगा, प्रार्थना करेंगे। ये जो जैसा लफ्ज है ना, तो अल्लाह कह रहा, फिर एक बार सुनिएगा, मेरा हबीब जब एक सरसरी सी नजर डालता है चीजों पर, वो पाकीजा चीजों को हलाल करार देता है, खबीस चीजों को हराम करार देता है और उन पर से एहकाम के संगीन बोझ और कैद और बंद को उठा देता है, यानी कंफ्यूजन दूर कर देता है। अल्लाह अकबर, ये रसूल की सिफत है। अरे रसूल की, हम इंसान घंटों भी मेरे सामने कोई चीज रखी जाए, पूछा जाए ये हलाल है कि हराम, हम घंटों भर भी उसे देखते रहे, परखते रहे, जो मर्जी करते रहे, बड़ी तवज्जो इस कंप्लीटली गुफ्तगू पर, तो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये हराम है ये हलाल है, इसका कौन सा पहलू। तो पता ये चला कि रसूल की सिफत अल्लाह ने जो बयान की, खुदा ये बताना चाहता है कि मेरा नबी और है, तुम इंसान और हो, मोहम्मद की नौ और है, तुम्हारी नौ और है, मोहम्मद की जिंस और है, तुम्हारी जिंस और है, इसलिए कि मोहम्मद नजर डाल के बताएगा कि तैयब क्या है और हराम क्या है, और तुम कयामत तक भी मोहम्मद जैसे नहीं हो सकते, तो फिर ये दो टके के अरब कैसे कहते हैं मोहम्मद हम जैसे। यहां तक तो हम पहुंचे। अब हमने पूरे अशरे में
ये इंशाल्लाह मौला के सदके में बीबी की ये जो कनीज है जो नौकरानी बल्कि जनाब फिजा की कनीजों की कनीजों में भी कनीजी मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा फख्र का मकाम हो। हमें ये बताना, हमें आपके सामने ये हकायक पेश करने कि ऐसा है क्यों कि रसूल नजर डाले सरीसी तो बता दे और आम इंसानों के पास ये नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उन हस्तियों को किसी उनकी खिलकत भी डिफरेंट है, उनका उनको जो अताफ फजाइल किए वो डिफरेंट है तो मानना पड़ेगा ना। जब मौला हुसैन ये कहते हैं, फरमा रहे हैं कि मुझ जैसे की बैत नहीं करेगा तो मौला हुसैन बागसम का ये जुमला बता रहा है कि माजी में जो थे मौला हुसैन जैसे, तो माजी की तरफ अगर तारीख की तरफ पलटे तो माजी में इस्लाम की जाहिलियत और जहालत के जमाने में जिसने नूर और रोशनी फैलाई वो मौला हुसैन का नाना मोहम्मद अरबी नजर आता है। एक बुलंद सलाम भेजिए रबी बाकी असमत को। आइए देखिए तो सही कि ऐसी कौन सी फजाइल हैं। इसलिए कि ये वो घराना है अज़ादरा में मोहतरमा मुझ जैसा, ये आपने जुमला मौला हुसैन का तबर्रुकन अपने ज़हन में रखना है पूरे अशरे में इंशाल्लाह। ये महत्व होगा मेरी गुफ्तगू का। मौला हुसैन को नबी पाक ने अपने जैसा कहा, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मौला हुसैन ने कहा, रसूल ने कहा अल हुसैन मिन हुसैन मुझसे। इसका मतलब जो जो भी रसूल के पास हो वो हुसैन के पास होना चाहिए। जागते भाई, आप जब किसी चीज को किसी चीज के साथ तशबीह देते हैं मुमासलत होती है, इसका मतलब उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है। आइए देखिए मौला हुसैन के अंदर कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो रसूल में थी। तो मौला हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे ही। हम यजीद जैसा को भी डिस्कस करेंगे। देखिए मिंबर से ये बड़ा मुश्किल काम है कि दोनों शख्सियात किरदारों को डिस्कस करना। मेरी आदत है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। मोस्टली मेंबरों से कहा जाता है हम ये डिस्कस करते हैं कि जो अच्छे किरदार, मैं दोनों किरदार डिस्कस करना चाहूंगी अपनी आप बहनों की नजर, ताकि आप अपने बच्चों को बताएं, अपनी औलादों को बताएं। तो आइए मौला हुसैन सैयद शहदा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी, बहुत सखी। अब एक जिसका मिसाल है सखावत ही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी थे, नवाजते थे, नवाजने वाले थे। आइए देखिए कि क्या ये है ये फजीलत, ये खसूसियत। देखिए सखावत हो, सखी होना सभी कोई भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली होना, उसकी जात में होना, एक चीज होती है कभी है कभी नहीं है। हम कभी कभी सखी हो सकते हैं, हर वक्त सखी नहीं हो सकते। एक से दूसरी दफा को डोनेशन मांगे तो हमारा मुंह बदल जाता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन देखिए ये सखी घराना जो जो फजाएं रसूल खुदा में थे, आइए उसमें से एक लेते हैं कि रसूल पाक से नवाजते थे दूसरे लोगों को। कहा जाता है कि मौला हुसैन पाक के पास एक साय था और उस साय को उसने सवाल किया मौला से, मौला ने उसे 1000 दिरहम दिए। अब वो 1000 दिरहम को परखने लगा, देखने लगा कि असली है, अल्लाह अकबर, ये साय है, मांगने वालों का है हाल है ये, अल्लाह अकबर। अब जब वो परखने लगा तो मौला हुसैन के पास जो असहाब बैठे थे उनको थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने कहा परख तो ऐसे रहा है जैसे तूने कोई बिजनेस किया मौला हुसैन के साथ, तूने कोई चीज बेची, अल्लाह अकबर। जागते नजर से कला होता है ना कि आप जब कोई चीज बेचे, आपने कोई दी है तो फिर आप उसको परखे, तो तू तो साइल है, तू तो मांगने वाला है। अब देखिए इसके अंदर कितना बड़ा लेसन है, इसके अंदर मौला हुसैन की फजीलत भी होगी और हमारे लिए और आपके लिए लेसन भी।
मौला हुसैन के खसाए बहुत कम पड़े जाते हैं, तो इस साल इंशाल्लाह मौला हुसैन के खसाए जिसको खसाइसुल हुसैन के नाम से किताब लिखी है तो हमारे उलमा ने, अब वो जुजला के कहती है कि देख तो ऐसे रहा है, टेस्ट तो ऐसे कर रहा है, चेक कर रहा है जैसे तुझे मौला हुसैन के पास कोई चीज बेची है। उस साइन ने एक जुम्मा कहा, पता क्या कहा उसने, उसने कहा कि देखो मैंने अपने चेहरे की फरोख्त की तब कहीं जाकर सवाल मेरी जुबान पर आया। बड़ा गहरा जुम्मा, साइन भी बड़ा माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल था। क्या कहा साइन ने, उसने कहा कि मैंने अपने चेहरे की फरोख्त की। चेहरे की फरोख्त का मतलब क्या, यहां पर यानी बेचा, फरोख्त होता है बेचना, मैंने अपना चेहरा बेचा है। इसका मतलब यह है कि किसी से कुछ मांगना बड़ा मुश्किल काम है, शर्म मरवत हया शर्मिंदगी इंसान को बहुत होती है, घुटन होती है, हाय अल्लाह मैं इनसे मांगू। तो जाहिर है जब आप चेहरा ही आप सबसे पहले लगेगा ना उसके आगे, पहले आपका मांगने वाले जिससे आप सवाल कर रहे हैं उसके आगे आपका पहले क्या आएगा, चेहरा आएगा, जुबान पर गुफ्तगू बाद में आएगी। जाकर नमस्कार, फकीर साहिल क्या कह रहा है, साहिल कह रहा है सबसे मैंने अपना चेहरा फरोख्त किया और तब जाकर मेरी जुबान पर अल्फाज आए, तो मैंने गोया अपना चेहरा बेचा। क्या मतलब, गोया मैंने क्या किया, इज्जत अपनी दाव पे लगाई, अपनी इज्जत को चैलेंज किया, अपनी इज्जत दाव। देखे बाजार ये होता है हमें डर होता है हम सवाल करने इनकार ना हो जाए, इनकार हो जाए तो इज्जत भी गई तो सवाल भी पूरा ना हो तो हम ज्यादा हर्ट होते हैं, और जहां पर सवाल पूरा हो जाए ठीक है तो वहां पर हम कम महसूस करते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं इज्जत तो गई है लेकिन सवाल पूरा हो। अब यहाँ पर उसने जब जैसे कि जुमला फरमाया, अब मौला हुसैन में सुन के और कुर्बान हो जाओ मेरे ईमान का, अगर फकीर ऐसा होगा तो ईमान कैसा। मौला ने कहा इसे 3000 दिरहम और दे दो, बड़े तवज्जो बस दिल में लिखी गई जुमला, इसे 3000 दिरहम और दे दो। असहाब जो पहले ही बड़े झुंझला रहे थे उन्होंने कहा मौला हुसैन पहले ही आपने इसको इतना कुछ दे दिया। मौला फरमाते हैं कि 1000 दिया इसके सवाल पर जो इसने मांगा था, दूसरा 1000 तू 2000 दिरहम दिए इसकी आबरू पर कि इसने अपनी आबरू को दाव पे लगाया फरोख्त की, और तीसरा सवाल मैं सबके कुर्बान जाऊं। मौला फरमाते हैं इसको पता था इसने हमारे मकाम को देखकर कि हम ही अहले तक्वा है, इसने हमारे मकाम को देखते हुए हमसे मांगा। मौला फरमाते हैं इससे बढ़कर तीसरा 1000 दिरहम जो है मैंने इसलिए दिया इसको पता था कि हुसैन इब्न अली में पता। बस बड़ी जल्दी 30 मिनट हो गए मुझे गुफ्तगू करते हुए, बस 2 मिनट और, मैंने एक और मौला हुसैन का फजाइल पढ़ना है, तो फजाइल पढ़ के इंशाल्लाह आज तिफलाने 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 अमीर मुस्लिम के जो बच्चे हैं उनकी शहादत पढ़ूंगी इंशाल्लाह। मैंने पिछले साल से बल्कि ये अहद किया कि मुहर्रम की पहली को इन बच्चों की, क्योंकि अमीर मुस्लिम के बच्चे जो है ना उनकी मजलिस भी जरूर होनी चाहिए और वही करबला का आगाज भी। तो ये आजादाराने मोहतरमा ये है मुझ जैसा, कैसे जैसा, मौला हुसैन किस जैसे है, नबी जैसे, मोहम्मद अरबी जैसे, जैसा नाना वैसा नवासा। मौला हुसैन ने कहा कि ये फकीर जानता था कि मैं इसको अता कर सकता, इसने अहले अता समझा उनको, अल्लाह अकबर। इसी तरह से मौला हुसैन कहते हैं मुझ जैसा तुझ जैसे की, क्योंकि जो अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं अल्लाह के जो पूछते हैं उनका इल्म भी और उनकी अथॉरिटीज और, अगर ऐसी अथॉरिटीज मौला हुसैन का ये जुमला बता रहा है, अगर ऐसी अथॉरिटीज किसी के पास है नहीं, सिर्फ हमारे पास है, इसलिए जिनके पास ऐसी अथॉरिटीज है वो किसी की बहस नहीं करेंगे। क्या अथॉरिटी है मौला हुसैन के पास,
आओ देखें इन हम कम अकलों के लिए दामन दामे मौला हुसैन के पास ये छठे इमाम इमाम मासूम अस्सलाम से रिवायत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुअज्जज में रेफरेंस भी साथ साथ दे रही हूं ताकि आप हासिल कर सके आप भी मुस्तफीद हो सके। छठे इमाम मासूम अस्सलाम के पास मुझसे रिवायत है मौला हुसैन के पास एक केस बड़ी तवज्जो। अब ये पढ़ने का आपको बताने का मकसद ये है मुझ जैसा यानी ये केसेस मौला के आदर के पास भी आते रहे और मौला अली के पास भी आते रहे मौला हसन के पास भी आते रहे। तो आप मुझ जैसा यानी कि मैं ममासलत और कनेक्शन देखिए बना रही हूँ बल्कि मौला बना रहे हैं माजल्ला मेरी क्या औकात है मौला बना रहे हैं कि देखो जो पहले में मुझसे पहले थे उन्होंने कुछ नहीं की मैं अल्लाह को ठीक है। अब ये वाक्य ये है कि एक औरत दो मर्द और एक बच्चा मौला के पास केस लाए थे। इससे पहले भी आपने मौला मुजतियान के बहुत से केसेस सुने मौला हुसैन को भी सुने। मुकदमा ये था हर दोनों आदमी उसमें से हर एक दो आदमी ये दावा कर रहे थे कि बच्चा बड़ी जल्दी से बस ये बच्चा मेरा। आपने मौला हुसैन इब्ने अली ने बच्चा कैसा था बच्चा शीर खार था मां का दूध पीने वाला बहुत छोटा बड़ी तवज्जो बच्चा बहुत छोटा। मौला ने दोनों आदमियों को देखा औरत से कहा कि देख कब इसके कि अल्लाह तुझे रुसवा करे सीधी बात बता दे इन दोनों से तेरा शौहर कौन सा है और ये बच्चा इन दो में से किसका। औरत ने एक को तो रिजेक्ट कर दिया और दूसरे को कहती है कि ये मेरा शौहर है। मुझे जैसा तो जैसे ही बेहतर करेगा यहाँ पर हुसैन इब्ने अली अल्लाह की हुज्जत के सिवा कोई और होता के अलावा तो वो फैसला करने को मतलब ठीक है सही कह रही और अब सही कह रही हूँ। मौला हुसैन नहीं रुके अल्लाह अकबर जहां तक नजर चलाना है यह है पूरी लाकर की ताकत ये वो फजीलत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको अता किया। तो ये किसी की बेहतर क्यों करेंगे मौला हुसैन वहां रुके नहीं मौला ने औरत से ये बात करने के बाद एक मरतबा मुझे कसम खुदा की मुझे उसी याद आ गया मौला हुसैन बच्चे की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अंतक बिइज़्नि अल्लाह अल्लाह के हुक्म से बोल तू ही बता बच्चे को कहा अंतक बिइज़्नि अल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम कर सुभान अल्लाह मैं सबके और कुरान जाऊं हुसैन इब्ने अली अल्लाह के पूछा जहां पर हुक्म दे किसी की मजाल नहीं बच्चा शीर खा था आज उसे अल्लाह ने कुव्वतें खोयाएगी। हुसैन इब्ने अली ने कहा हां था उसने गुफ्तगु की उसने कहा मेरी माँ झूठ बोल रही है इन दोनों में से मेरा बाप कोई नहीं है ये दोनों मेरे बाप इनमें से कोई नहीं है एक कोई कबीला है कफला कबीले का कोई चरवाहा है और उसके बाद बच्चा खामोश हो गया फिर उसके बाद बच्चे ने कोई गुफ्तगु नहीं की रिवायत खत्म हुई लेकिन मेरी मार्फत ने इतना जोश मारा मैंने कहा वाह मौला हुसैन मैं तेरी अजमत के सदके मैं तेरी मजलूमियत के सदके मैं तेरी इज्जत के सदके मौला हुसैन क्या सुभान अल्लाह बच्चे को लेकिन मौला आपके लिए तो ये मुश्किल नहीं था लेकिन इमाम ज़माना ने कहा ऐ तू तदब्बुर कर तू देख एक बच्चा कुरान में जाते जाते यूसुफ पर ज़ुलैखा ने इल्जाम लगाया कमीज फटी थी वाक्य आपका सुना हुआ है मैं नहीं वो बयान करूंगी जनाबे यूसुफ पर जब इल्जाम लगाया गया यूसुफ नबी थे यूसुफ पैगंबर थे अल्लाह की हुज्जत थे अल्लाह ने अपनी हुज्जत को बचाने के लिए वो छोटा बच्चा जो उस औरत की गोद में था उसने कलाम किया अल्लाह के इज्जत से और यूसुफ की बेगुनाही का सबूत दिया सबूत दिया। लेकिन इस केस में इस मामले में एक कड़ी ऐसी है जिस पर मैंने वाकई तदब्बुर किया मुझे मौला हुसैन की अजमत पे कुर्बान होने को दिल चाहा मैंने आसमान में परवाज की मुझे ये समझ आई यूसुफ की बेगुनाही के लिए जिब्राइल का वास्ता बीच में दरमियान में मौजूद था बच्चे को नहीं कहा यूसुफ ने कि कौन तो कोई इज़्ज़ल्ला हुसैन की ताकत को देखो मौला हुसैन ने वही का इंतजार नहीं किया बल्कि उली अम्र की जो ताकत निकाल और तक भेज दिया।
ये है हुसैन का इख्तियार, जो हुसैन शीर खार बच्चे को कहे वो यजीद जैसे नजस इंसान की बात कैसे। अल्लाह बस समेत दी जब से मुहर्रम का चांद तुलो, बल्कि उससे पहले अजादार अजादारा ने मौला हुसैन आप दी तो हर घर में तड़प तड़प के ये बातें हो रही। मुहर्रम का चांद कब हो, मुहर्रम की पहली कब हो, कितनी तैयारी करते हैं मौला हुसैन आपके चाहने वाले बड़ी तैयारी करते हैं। बस मौला हुसैन के घर में झाड़े मार के चेहरे का डिजाइन बिगड़े वो हो बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं। हजरत ने मुहर्रम अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मौला के जो बच्चे थे इब्ने ज़ियाद ने कैदखाने में उनको कैद कर दिया। कैद करने के बाद कैदखाना इस तरह का था कि तारीख था, इतना तारीख था न दिन का पता चलता था न रात का। जब दारोगे जिंदान उनको खाना और दाना पानी देने के लिए आता था तो दिन में एक हाथ दबा होता था, तो बच्चे अंदाजा करते थे अब रात मगरब का टाइम हो। नौ दस बरस से ज्यादा इन बच्चों की एज नहीं थी। एक का नाम मोहम्मद था, एक का इब्राहिम। कहा जाता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ तकरीबन दो साल का ऐसा बताया जाता तारीख में एक है मेरे। अल्लाह जाने इनके दिल में क्या आया, दारोगा संगत ने एक फाइल खोल कर इनको देने आया। बच्चे बड़े कमजोर खाने पीने का जाहिर है, वहां पर नवाहिर का दिन नजर ना आए इंसान को घबरा करके बाहर निकल जाते हैं, हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लग जाता है। आप सोचें इन बच्चों को सूरज की, हमारे अहमद खार इस्लाम को सूरज की रोशनी से भी महरूम किया। ये सब मुख्तसर इन्होंने दारोगा जिंदान से कहा, क्या दारोगा जिंदान बता तो मुसलमान है। जनाबे अकील को जानता है, क्यों नहीं जानता, बिल्कुल जानता हूँ। एक मरतबा दारोगा जिंदान कहने लगा कि तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो आज। कहने लगे बच्चे ये दारोगा जिंदान हम मुस्लिम में अकील के बच्चे हैं और मुस्लिम जो थे जनाबे अकील के बेटे वो हमारा दादा। एक मरतबा जब दारोगा जिंदान ने सुना उसके हवास बात कहने लगा तुम अहले बहते नबी हो, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बड़ा रोया बड़ा पछताया, वो कहने लगे हम डरते थे। किस्सा मुख्तसर उसने कहा कि देखो मैं कयामत के रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा, अली मौला को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे तुम लोगों के लिए कुछ करना है, मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता। उन्होंने कहा दारोगे हम यहाँ कूफा में हैं, हमें मदीने का रास्ता नहीं आता, तू हमें आजाद कर दे और हमारा इंतजाम कर दे। उसने कहा कि मैं इतना कर सकता हूं कि मैं तुम लोगों यहां से फरार कर दूं और ऐसे वक्त में कर दूं, और मुझे पता है कि तुम लोगों को फरार करने के बाद जो जालिम इब्ने ज़ियाद है वो मुझे कत्ल कर दे। बस एक मरतबा ज़ादा ने मोहतरमा इन बच्चों को उस दारोगे जिंदा जो मोमिन था उस जमाने में जो शिया में अली नगर करवा रखे थे जुल्म की वजह से तकैया करते थे, इसने उन बच्चों को रात के वक्त तकरीबन जब रात का ढल रहा था शाम हो गई थी इसने छोड़ दिया, इसने कहा कि उस तरफ को निकल जाओ। एक मरतबा ये बच्चे जो है वहां से निकले कैदखाने से इब्ने ज़ियाद रिवायत कहती है कि ये एक नहर थी उसके पास ही कुछ शजर थे दरख्त थे, उन दरख्तों में ये बच्चे छुप गए कोई हमें देखे। इत्तेफाक से कहा जाता है कि एक औरत थी वहां पर पानी भरने आई नहर पर कुछ करने आई। एक मरतबा उसने देखा
पानी के अंदर दो चांद जैसे चेहरों का आस लगवा कर जैसे उसने लिखा कि दो चांद जैसे सहमे बड़े गरीब और बड़े कमजोर चेहरे मगर चांद से चेहरे हाशिफ नूरानी चेहरे उसने देखकर कहा बच्चा नीचे आओ। बच्चे पहले डर गए सहम गए अल्लाह जाने हमारे साथ क्या सुनकर उसने कहा मैं तुम्हें अमान देती जान की तुम नीचे आओ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। जब उसने कहा कि जान को अमान बस एक मरतबा बच्चे नीचे आए गुफ्तगु शुरू हुई बच्चों ने अपना तारुफ कराया उसने कहा मैं मोमिना हूँ मेरी मालिकन जो है वो मोमिना है और मेरी मालिकन मोमिना मैं उसकी कलीस हूँ मेरी मालिकन जब सुनेगी ना तो तुम लोगों को प्रोफेसर देगी वो बच्चों को अपने घर ले गई। अब ये जो मोमिना थी इसका जो शौहर था उसका नाम था हारिस ये मोमिना जो थी वो हिब्रान में से थी। ये जब कलीस घर लेके गई वो मोमिना बड़ी खुश हुई रोने लगी बच्चों को गले से लगाया कई अरसा से बच्चों ने ना ढंका खाना खाया ना नफाया ना लिबास भी खस्ता इस मोमिना ने सब कुछ उन बच्चों को मोहिया किया। एक मरतबा इस मोमिना ने कहा देखो मेरा जो शौहर है वो इब्ने ज़ियाद की नौकरी करता है मैं तुम लोगों को सब कुछ दे सकती हूँ लेकिन मैं रहने के लिए ये कोठरी छोटी सी कोठरी है अंधेरा कमरा है मैं तुम्हारा बिस्तर यहाँ को देती हूँ ताकि और बाहर मैं एक कुफी ताला लगा देती हूँ ताकि उसे पता न चले कि वो तुम उस मोमना को कहा इन बच्चों ने कि देख हमें कूफा जा कूफा से हमें मदीना जाने का बस रास्ता बता दे ताकि हम मदीने पहुंचे तो बच्चों को खबर दे बस एक मरतबा कहा जाता है कि उन बच्चों को कोठरी ने पाए से ताला लगा दिया उस मोमना ने हारिस रात गए तक देर से आया बड़े गुस्से में आया ये मतलब जब घर में आया बीवी ने कहा तो आज तुम्हें गुस्से में कहने लगा कि इब्ने ज़ियाद के यहाँ से दो बच्चे मुस्लिम के भाग गए उसने बहुत बड़ा इनाम रखा है कि वो जो भी उनको ढूंढ कर लाएगा। अब इस मोमना के दिल में डर खौफ करता हूँ इसने कहा कि देख वो आले रसूल हैं तो क्यों उनके पीछे पड़ा है और क्यों तू इस तरह कर रहा है छोड़ दे इस चीज को क्यों तू उन बच्चों के पीछे पड़ा छोड़ किस्सा मुख्तसर इसने उसको जुझरा कर पीछे किया उसकी कोई बात ना सुनी और ले गई। रात एक पहर हो ऐसे में क्या दोनों बच्चे सोए हुए थे उसमें से छोटे भाई छोटा भाई था उसने बड़े भाई को बेदार किया और कहने लगा भैया मैंने ख्वाब में देखा है हमारे छत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और बाबा बाबा मुस्लिम के सामने मेरे जद कह रहा हमारे जद फरमाते हैं मुस्लिम बच्चे कहा और बाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह अभी थोड़ी देर तक वो बच्चे ने आके खिदमत में नहीं करा छोटे भाई ने जब बड़े भाई को ये खाब सुनाए बड़े भाई ने कहा मैंने किसे मेरे खाब देखा है अहले बैत के बच्चे थे समझ गए इसकी ताबीर की होगी एक मरतबा दोनों बिल्ले लगे जब ये बच्चे रोने लगे असर आने बहुत बहुत मुश्किल होता है अली बच्चों को मतलब स्पटा लगा छोटा की एक मरतबा इनकी आवाज इस मलोना और इसके कानों में गई इसने इधर उधर झांका इसने हर तरफ जाकर मोहिला किया इतने में ये आवाजों को फॉलो करते हुए जब दूसरे कोठरी की तरफ गया तो वहां पर ताला पड़ा और इसने ताला तोड़ा मोहिला ने रोकने की कोशिश की इसने उसको पीछे मार के पीछे किया अपनी बीवी को इतने में इसने खोला अंदर देखा तो दोनों से चेहरे एक दूसरे के गले लग के रो रहे इसने रोशनी चला कर देखा इस मलहू ने बच्चों को बस आप लोग कहते हैं रोते क्यों अगर ये मलहू बस उसे पकड़ता तो वो बात थी अरे आप ही बच्चों वाली है कहीं नानिया भी होगी दानिया भी होगी इसने तो दोनों
جسموں کے ساتھ اس نے رسی سے باندھا اور بانس کے ساتھ باندھ کر اس نے کہا سمائی کو اتنے سی رات کی دربار میں ساری رات بچے اس رسی کی گرفت تو میں نے ٹوٹے رہے اللہ جانے کے سارے بچوں نے سانس لیا ہوگا اور ایک قصہ مختصر اس ملوں میں سبا یہ اللہ